ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरु जी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7021472191 9920949 4965 6। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH Foundation टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। हम कई दिन से रिपीट कर रहे थे कि हम सब कैसे है मालूम है, हम मंदिर में जाते हैं, जो भी हमारे देवता है, शनिवार पहले तो एक देवता है ही नहीं हमारे, हमारे तो सब है। शनिवार को हनुमान जी के पास जाते, शनि देव को जाते हैं, मंगलवार को भी हनुमान जी को जाते हैं, फिर बृहस्पति बार है तो बाबा जी के पास जाते हैं, गुरुवार है तो और कहीं जाते हैं, सोमवार है तो शिव जी के पास जाते हैं, शुक्रवार है तो कोई संतोषी माता की भक्तन है या और कोई उनका उपास रहता है, रविवार है तो और कुछ है, एक है ही नहीं। कोई भी एक लक्ष्य ही नहीं, एक में श्रद्धा ही नहीं है। हम लोगों के इतने बाप हैं कि रोज नए बदल लेते हैं। अब समाज के लिए अच्छी बात है रोज लोग बाप बदले, जीव के लिए अच्छी बात है, देश दुनिया के लिए अच्छी बात है कि रोज पिताजी बदला जाए। भगवान तो परम पिता परमेश्वर है ना, लेकिन हम लोग रोज बदलते रहते हैं, रोज बदलते रहते हैं। हम लोग ही हैं, कौन है ये? हम लोग ही हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो चरम लक्ष्य बना करके पूर्ण रूपेण, हम लोगों ने तो लक्ष्य बनाया ही नहीं तो पूर्ण रूपेण क्या होता है मालूम ही नहीं है। चरण लक्ष्य भी नहीं बनाया, पूर्ण रूपेण क्या होता है पता ही नहीं है। तो ये सुंदर मौका है आप सबके लिए कि भगवान का ये सुंदर दिव्य वाणी पवित्र करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, आपको शुद्ध पवित्र करने वाला सुलभ कान में जा रहा है। सुलभ, इस कान को बंद करिएगा ना फट से निकल जाएगा, ऐसे सुनिए अगर जिनको निकालना नहीं है तो। कहने का मतलब ये है कि जो कल्याणकारी दिव्य, जो ऊपर ले जाने वाले ज्ञान है उसको पकड़ के रखिए, भगवान को अपना चरम लक्ष्य बनाइए कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों का संग प्राप्त करना है, रोज हरि नाम करना है, रोज भगवत गीता पढ़ना है, रोज भगवान का दिन में कम से कम 5 बार दर्शन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कहते अपना चरम लक्ष्य बनाकर पूर्ण रूपेण श्रद्धा सहित संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं।
पहले तो हमें चरम लक्ष्य तय करना है कि हमें रोज भगवत गीता पढ़नी है। अगर कोई गुरु नहीं मिलता है, आपको उसका ज्ञान नहीं कि कौन गुरु करूं, कौन से प्रमाणिक गुरु है, तो मैं कई दिन से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कृष्णम बंदे जगत गुरु, आप कृष्ण भगवान को गुरु बना लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैंने आपको कहा था कि जो धोती पहनते हैं उनके सारे पाप धोती धो डालती है, धोती सारे पाप को धो डालती, इसलिए हम लोग हर पवित्र उत्सव में धोती पहनते, जितने भी, यहां तक कि शादी के लिए भी धोती फटाफट पहन लेते, बाद में नहीं पहनते। शादी करना है तो दूल्हे महाराज फटाफट धोती पहन लेते, नहीं आता है तो दूसरे से बोलते भैया पहनाओ, नहीं तो शादी नहीं होगी, और बाद में फिर पैंट और पैजामा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये कह रहा था कि अपना जीवन का चरम लक्ष्य क्या बनाना चाहिए कि मैं भक्त बनूंगा, क्या बनूंगा। मैंने पहले भी कहा था दो दिन पहले कि जीवन का एकमात्र अगर उद्देश्य कोई होता है तो ये है जीवन का परम उद्देश्य, जैसा भगवान यहां कह रहे चरम लक्ष्य, तो ये है कि भगवत प्राप्ति करना। क्या है? भगवत प्राप्ति करना। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जब हम भक्त बनेंगे, और भक्त बन के क्या करेंगे? भगवान का भक्ति करेंगे, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, चरम लक्ष्य होना चाहिए भगवान की भक्ति, हमें भक्त होना। लेकिन हमें दुर्भाग्य है कि ना हम भक्त बनते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति की करते हैं। बाकी संसार का सब लक्ष्य हम लोग साधने के लिए दिन रात देश दुनिया पूरा इकट्ठा कर देते हैं। कोई भी ऐसे शहर गांव, यहां तक कि विदेशों में भी ऐसे कोई शहर नहीं होंगे जहां लोग नहीं गए होंगे कि मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। उनका जीवन का चरम लक्ष्य क्या है कि भोग भंडारण करना, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करना, और वही अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, वही अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। यहां पे देख लीजिए, ये भी सब बच्चे हैं, ये भी सब बच्चे हैं, लेकिन बैठे हैं ना शांति से, भजन गा रहे, कीर्तन कर रहे, मृदंग बजा रहे, करताल बजा रहे, और अभी थोड़ी देर में क्या करेंगे, कैसे नाचेंगे भगवान के प्रेम में, वो भी देखेंगे। क्योंकि हम सब ने खुद भी किया है और बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि अगर कोई करने योग्य इस संसार में, इस देश में अगर कार्य है तो वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र यही कार्य है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी हम लोग सब कर रहे हैं, या अगर पकड़े भी हैं तो वो शून्य के आसपास है, नगण्यता की तरफ है, माइनस में है। बड़े गर्व से कहते मैं तो रोज 2 मिनट अगरबत्ती और घंटी कर लेता हूं और एकदम शांत हो जाता है मन। अरे मन तो शांत हो जाता है लेकिन तन में तो ज्वाला फूकी फूटते रहता है ना। शांत होके क्या हो गए? भक्त बन गए, भक्ति प्राप्त हो गई, या भगवान का धाम मिल गया, भगवान का प्रेम मिल गया। तो हम लोग भगवान के परम नाम को, परम सेवा को, ज्ञान को, भक्ति को, उनसे प्रेम करने के जो दिव्य दिव्य ज्ञान की बातें हैं, उन सब को किसी भी विषय वस्तु को परम लक्ष्य नहीं बनाते। हम परम लक्ष्य बनाते संसार में स्थापित होने के लिए,
जिसको हमें छोड़ के जाना एक दिन, ये सत्य हम लोग सब जानते हैं, ये सत्य हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन जानने के बावजूद अगर गलतियां करें तो उनको क्या कहा जाए? यहां से कुछ साथ भी नहीं जाता है कि जाता है? यहां से कुछ साथ जाता है? किसी का गया, हम लोग का जाएगा? एक ही चीज साथ जाता है, जो आपने भगवान की भजन किया है, भगवान की भक्ति की है, नाम जप किया है, तप किया है, यही जाता है साथ में। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि चरम लक्ष्य बनाइए कि चलो जितना जीवन गए कोई बात नहीं, जितना समय निकला कोई बात नहीं, जो भी काम कर रहे कोई बात नहीं, जो कर चुके उसका भी कोई बात नहीं, जो योजना में है उसका भी कोई बात नहीं। आज से एक चीज प्लस करूंगा, इसमें जोड़ूंगा कि रोज भगवान के नाम का कीर्तन करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप इतना समझ गए कि ये जरूर करूंगा, क्यों समझ गए? क्योंकि ये श्रेष्ठ, सबसे इस संसार का श्रेष्ठ दिव्य कार्य है, विषय है, इसी से भगवान मिलते, भगवान का धाम मिलता है। और श्रीमद् भगवद गीता तो ये भी कहती है कि जो ऐश्वर्य, जो अमर बनाने वाला है, आपको ज्ञान, आपको धन, आपको जन, जितने भी प्रकार के ऊंची वस्तु प्राप्त कराने वाला है, ये भगवान का नाम सुलभ ही प्राप्त कराता है। ऐसे विषय को, ऐसे वस्तुओं को छोड़ के हम सब अज्ञान के कारण संसार को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत, कठिन मेहनत करते, कठोर मेहनत करते, और फिर उस मेहनत के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, और फिर उसी जो पापमय कर्म के गठरी को लेके एक दिन शरीर त्याग हो जाता है और नीचे के लोकों में चले जाते हैं। नीचे के लोकों मतलब नरक लोक, या तो कुछ थोड़ा दान पुण्य किया है, कुछ थोड़ा सा मंदिर और सत्संग और धर्मात्मा तीर्थों में गया है, तो ज्यादा से ज्यादा ये मृत्यु लोक दुखालय प्राप्त होगा। इस पृथ्वी लोक में वापस दुख भोगने के लिए माता पिता के गर्भ, मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। इस भयानक स्थिति को थोड़ा सा गंभीर होकर समझिए, कितना सरल है कि भगवान का भक्त बनना, भक्ति करना और अमर हो जाना, कठिन नहीं है। हम लोग भी आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह दो हाथ दो पैर वाले हैं। आप भी आनंद के साथ भगवान का भजन कर सकते और इस अमर पथ का अनुसरण कर सकते और अपने आप को अमर बना सकते हैं। जिसने भी भगवान की भक्ति की है, भगवान ने अमर बना दिया है उनको। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नरसिंह मेहता, शील प्रभुपाद, महाराष्ट्र में तो अनेकों संत अमर हुए, संत तुकाराम जी, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, जनाबाई, मुक्ताबाई, नाम कम पर जाएंगे लेकिन उदाहरण कम नहीं होंगे। हम लोग सीखते नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग मनोधर्मी हैं। क्या है? हम लोग सीइंग इज बिलीविंग है। क्या है? सीइंग, दिखेगा तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, इतने बुद्धिमान है। इसमें कौन लिखा है क्या पता, तर्क करते। एक पिक्चर आई थी, उसमें कहते हैं कि जो भगवान के ऊपर इतना सारा दूध जो चढ़ाते हो बर्बाद हो जाता है ना, बह जाता है, ऐसा उनका कहना है। इसकी क्या आवश्यकता है? उन्होंने तो वेद पढ़ा नहीं, भक्त है नहीं, ब्राह्मण है नहीं, ज्ञानी है नहीं, महात्मा है नहीं, अपनी बुद्धि से कह दिया बर्बाद होता है। उनको कहां मालूम कि भगवान का जिससे अभिषेक होता है वो दूध धरती माता को जाती है, जब वो धरती माता उस दूध को ग्रहण करती है तो परम शुद्ध होती है पापियों के द्वारा जो पतित की गई थी, और पतित होने के कारण
वो बिचारी संतप्त रहती है, क्या रहती है, दुखी रहती है। तो जब अभिषेक होता है, वो दूध जब पृथ्वी पे जाता है तो पृथ्वी फिर से अन्न देने की ताकत पैदा करती है कि चलो भगवान का चरणामृत प्राप्त होता है, उसको आनंद होता है। और साथ ही साथ वो तो उनको दिखता नहीं, पृथ्वी तो जमीन है, उनको दिखता होगा, यहां बिल्डिंग बना दो या कोई मंदिर का जगह है उसमें भी बिल्डिंग बांध दो, है ना, कुछ खेल का मैदान है उधर भी बिल्डिंग बना दो, उनको तो यही दिखता है। उस पृथ्वी के नीचे कितने लोग हैं उनको क्या पता, वो दूध कहां तक जाता है, कितने प्रकार के जीवात्मा रहते उनको कहां पता, बिचारे को कहां वेद का ज्ञान है उनको, बस पिक्चर बना के 100-200 करोड़ रुपया कमा लेते हैं और पूरी जय जयकार, इधर इंटरव्यू हो जाता है, उधर नाम हो जाता है, सब काम, लेकिन कहां क्या कर रहे वो उनको समझ नहीं आती। एक बूंद का कतरा वेस्ट नहीं जाता है, ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान, ये वेद भगवान से आई है, कहां से आई है, स्वयं भगवान जब समुद्र मंथन हुआ तो वेद लेके प्रकट हुए थे धन्वंतरी भगवान, उनको तो वेद का ज्ञान है नहीं, वेद का, वेद शब्द का अर्थ मालूम नहीं होगा जिन्होंने ऐसा कह दिया, मैं ऐसे समझता हूं, होगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मालूम होता तो ऐसे पूरे दुनिया को तस्वीर नहीं दिखाते थे। हो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग मनोधर्मी हैं, जो मन कहता है, जो मन में आ गया विचार बस कर लेते हैं। हमारे जीवन में ना शास्त्र होता है, ना साधु होता है, ना सत्संग होता है, ना भागवत होती है, ना गीता होता है, ना कथा होता है, ना कीर्तन होता है। परिणाम ये होता है कि हम सब अधम जीव बन के रह जाते, हम लोग मंद सुमंद बन के रह जाते, सिर्फ खाया पिया और यहां से चले गए और कुछ नहीं होता। तो कह रहे भगवान कि अगर अमर बनना है तो इस भक्ति के पथ का अनुसरण करो, अमर पथ का अनुसरण करो। मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग जो खाते पीते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसा प्रचारक हूं, भगवान के नाम का प्रसारक हूं, आपसे चर्चा ऐसा करता हूं कि आप जो भी करते हैं करो भाई, लेकिन कोशिश ये करो कि भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दो जो नहीं कर रहे हो। एक चीज और जोर लो, एक और काम, नया धंधा दे रहा हूं, ये वाला बिजनेस करो, ये हर प्रकार से आपको ऐश्वर्य बनाएगा, क्योंकि आप नाम जप करके अगर लक्ष्मी भी मांगेंगे तो लक्ष्मी भी उनकी पत्नी है ना। भक्तों का तो ये उद्देश्य नहीं लक्ष्मी प्राप्ति, मैंने आपको कहा था कि जो शुद्ध भक्त हैं रिद्धि सिद्धि उनके पैर में आके भीख मांगती है, भैया आपके लिए क्या करूं, वो कहते जाओ हमें भजन करने दो, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, रिद्धियों सिद्धियों को। और हम लोग वही मांगते हैं, लालायित लाइन में खड़े रहते घंटों घंटा, ये रिद्धियां मिल जाए, ये सिद्धियां मिल जाए, और मैं वो बन जाऊं, मैं वो हो जाऊं, और फिर बाद में मर जाऊं, है ना, बाद में मर जाऊं, और फिर पीछे से लोग बोले अच्छा वो मर गया, बहुत उसने पाप किए थे, बहुत जमा कर लिए थे, बहुत होशियार था। तो भगवान हम लोग के परम हितैषी, इसलिए हमें सचेत कर रहे इस भक्ति योग के द्वारा कि इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करें और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो हम लोग भगवान को अपना चरम लक्ष्य बनाते, सब लोग संकल्प करिए आज फिर से, अब हम भगवान को, कृष्ण को, जो सभी कारणों के कारण है, परम भगवान है, आपने सब सुन लिया, शिव जी ने कह दिया हाँ कृष्ण ही परम भगवान है, ब्रह्मा जी ने कह दिया हाँ वही परम, सभी हनुमान जी तो रोज ही उनकी सेवा में लगे रहते। तो आज हम लोग संकल्प करना चाहिए, अगर ठीक से भागवत कथा, ये भगवान की भगवत गीता सुनी है, कि हम अब अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाएंगे, इस चरम लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे और श्रद्धा के साथ करेंगे और पूर्ण रूपेण इसी में संलग्न रहेंगे। कैसे संलग्न रहेंगे, पूर्ण रूपेण, तन से, मन से,
धन से, जन से, सभी प्रकार से। इस शरीर को भी लगाएंगे, मन को तो हमेशा ही लगाना है। भगवान बार बार कहते ये मन, अगर इन जीव के अंदर कोई चीज मुझे सबसे प्रिय है तो उसका मन है, क्योंकि ये मन ही जीव को संसार में पकड़ के रखता है, फंसाता है, आसक्त रखता है। तो ये मन मुझे दे दो, इसलिए बार बार गीता में दो बार कहा, मन मनावत मत भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मेरे चिंतन में लगाओ, दो बार ये श्लोक बोला। और गोपी जन को श्रेष्ठ इसीलिए बोला जाता है, कहा जाता है, क्योंकि गोपियां ने अपना मन, गोपियों ने अपना मन हमेशा भगवान के चरणों में लगाया था। उद्धव जी जब उनको उपदेश देने आए, समझाने आए, तो गोपी जन कहते, उद्धव मैं जानती हूं आप बहुत पढ़े लिखे हो, महाज्ञानी हो, सभी शास्त्रों को आपने कंठस्थ कर लिया है, वेद तो आपके मुंह से दिन रात निकलते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानती थी कि हम ग्वालिन से भी आप मूर्ख हो, महामूर्ख हो। आपको इतना तो पता होना चाहिए था, हम निरक्षर जरूर हैं, हम जरूर गाय पालते हैं, गोबर निकालते हैं, गोईठा बनाते हैं और झोपड़े में जीते हैं, लेकिन हमें पता है कि मन एक ही होता है, और वो मन तो हमने श्याम को दे दिया है, श्याम सुंदर को दे दिया है, और आप कह रहे हो कि अपना मन लगाओ। वो दूसरा मन कहां से लाऊं, मन है हुए नहीं 10-20, 10-20 रहते तब तो लगाता था, आप जो बोल रहे उसमें रुचि आती थी, सुनता था, एक मन था गयो श्याम संग, अब दिन रात उसी का चिंतन रहता है, वही सोचते रहती हूं, वही चिंतन करते रहती हूं, वही याद आते रहता है, कभी मेरे घर में माखन चुराने आएगा, कभी मेरे घर के सामने से गैया चराने जाएगा, कभी शाम को लौटेगा, कभी अपने ग्वाल सखाओं के साथ मेरे घर में मटकी फोड़ेगा, और कभी मैं उसके पीछे दौड़ूंगी, इसी चिंतन में कब दिन हो जाता है, कब रात हो जाता है, कब हफ्ते और कब महीने साल बीत जाते हैं, कब हम जवान से बुढ़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला, कब सास पीछे से गाली दे के जाती है, पति पीछे से लाठी मार के जाता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मन तो श्याम में लगा हुआ है। हम लोग का भी ऐसे ही स्थिति है भाई, कब दिन, आई हैव नो टाइम, आई हैव किसको बोले प्रभु जी सत्संग में आना, टाइम नहीं है, काम से आ रहे लोग, काम से जा रहे, क्या कर रहे, काम से ही आ रहे और काम से ही जा रहे, अभी आया हूं और अभी जाना है। जब हॉस्पिटल में बिस्तरा पे रहेंगे ना, तब पंडित जी का बात याद आएगा, भैया अभी नाम ले लो, मर जाते ना उसको नाम सुनाते, राम नाम, एक्चुअली ये बर्थडे में बोलना चाहिए, राम नाम बर्थडे ऐसे मनाना चाहिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, क्यों, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन हम इतने डरपोक हैं, भीरू क्या है, अज्ञानी है, मूर्ख है, कि भगवान का नाम भी नहीं लेते, भैया कोई मर जाएगा, ये नाम इसलिए लिया जाता है कि मरे हुए को भी तारने वाली नाम है, लेकिन उनको क्या लगता है, भीड़ों को, अज्ञानी जी को, सो कॉल्ड एजुकेटेड जी को, हाईली क्वालिफाइड डिग्री धारी जी को, सत्ताधारी जी को, उनको क्या लगता है, राम नाम लास्ट टाइम के लिए रिजर्व किया गया है, फिक्स किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पूर्ण रूपेण संसार में संलग्न रहते हैं, संलग्न मतलब उसी में लगे रहते हैं, सबके साथ, एक धंधा में जम गया, अब दूसरा धंधा करते, भाई थोड़ा टाइम मिलता है ना, दूसरा धंधा कर लूंगा और पैसे कमाऊंगा और एक अकाउंट खोलूंगा। हमने कहा था दान करेगा तो संघ चलेगा,
दान करेगा तो संग चलेगा, मतलब अगले जन्म में वो साथ मिलेगा कई गुना बढ़ के, शास्त्र कहते। खाया पिया अंग लगेगा, खा पी लिया तो स्वास्थ्य बढ़ेंगे, और बैंक में रखा तो जंग लगेगा। वो बैंक वाला दूसरे को देखे 50,000 महीना वो कमाते, बैंक के मैनेजर को 50,000 से लाख रुपया पगार हमारे पैसे से मिलते, जो हम लोग मेहनत करके गधे घोड़े और बैल की तरह कमा के जमा करते, उसका मजा वो एसी में बैठ के लेते पगार। आपका पैसा संभालने का मजा बैंक वाले लेते, हम लोग कितना बुद्धिमान है। हम धूप में कमाते और वो एसी में बैठ के आपका पैसा गिन के खाली रखता है ना। तो हम लोग संसार में पूर्ण रूपेण संलग्न हैं, और संसार सजा के अपना बहुमूल्य मानव दुर्लभ जीवन यूं ही व्यर्थ बेकार कर देते हैं, और अनेक प्रकार के निम्न योनियों में, पशु योनि में, कीट पतंग कीड़े की योनि में चले जाते। भगवान हम लोग के हितैषी हैं, इसलिए एक गीता दिया, गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को एक रोल मॉडल बनाया, हम सब उसके माध्यम से सुने, और भगवान अपना फाइनल जजमेंट देता है, दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जजमेंट दे रहे हैं। भगवान सबके जज भगवान है ना। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।